नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी। भाजपा राज के दौरान हुए गैंगस्टर आनंद पाल सिंह एनकाउंटर को विपक्ष में रहने के दौरान फर्जी बताने वाली कांग्रेस का सत्ता में आते ही इसके प्रति रुख बदल गया है। गहलोत सरकार ने आनंद पाल एनकाउंटर को सही ठहराते हुए उसमें शामिल 90 पुलिसकर्मियों को नकद पुरस्कार और 6 अफसरों और पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड और प्रमोशन देने का फैसला किया है। सियासी हलकों में सरकार के इस फैसले की जबरदस्त चर्चा है। विपक्ष में रहकर एनकाउंटर पर सवाल उठाने, चुनावी मुद्दा बनाने वाली पार्टी की सरकार में वसुंधरा राजे के दौरान हुए एनकाउंटर के सही होने पर मोहर लगा दी है। 26 जून 2017 को हुए आनंद पाल सिंह एनकाउंटर पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। उस समय राजपूत संगठनों और कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलन किया था। आनंद पाल एनकाउंटर पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रताप सिंह खचरियावास, रघु शर्मा, राजेंद्र गुना सहित कई नेता थे जिन्होंने लगातार सवाल उठाते हुए वसुंधरा सरकार को घेरा था। एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की थी। कांग्रेस ने फरवरी 2018 में हुए अजमेर अलवर लोकसभा सीट और मांडलगढ़ विधानसभा सीट के उपचुनाव में आनंद पाल एनकाउंटर को मुद्दा बनाया था। आनंद पाल एनकाउंटर के वक्त जो कांग्रेस नेता बढ़ चढ़कर इस पर सवाल उठाते हुए वसुंधरा सरकार पर आरोप लगा रहे थे, वे आज चुप हैं। मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास, रघु शर्मा ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आनंद पाल एनकाउंटर के बाद आंदोलन की अगुवाई करने वाले बसपा से कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुणा प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध नहीं हुए। गहलोत सरकार के इस फैसले में राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। जिस वक्त कांग्रेस पार्टी ने आनंद पाल एनकाउंटर पर स्टैंड लिया था, उस वक्त में और आज के सियासी हालात में बहुत अंतर आ गया है। आनंद पाल एनकाउंटर के बाद रावणा राजपूत और राजपूत समाज का एक बड़ा तबका इस मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ हुआ था। वसुंधरा राजे और भाजपा के खिलाफ नरेटिव तैयार करने की इस मुद्दे की बड़ी भूमिका थी। इस नरेटिव की कांग्रेस का राज बनने में बड़ी भूमिका मानी जाती है। गहलोत सरकार ने तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे के समय हुए एनकाउंटर को सही ठहरा दिया है, जिसकी वजह से वसुंधरा राजे और उनके समर्थक इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करेंगे। इस मामले की सीबीआई जांच में पुलिस को क्लीन चिट मिल चुकी है। अब गहलोत सरकार ने पुलिस कर्मियों का अवार्ड देकर इस एनकाउंटर पर राजनीतिक तौर से वसुंधरा राजे को सही ठहरा दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस पूरे मामले में एक सियासी सबक भी दे दिया है कि कई बार विपक्ष में उठाए मुद्दे बूमरैंग साबित होते हैं। इस मामले में भी यही हुआ है। मालासर में आनंद पाल जिस घर की छत पर रुका था, उस समय पुलिस ने जो थ्योरी दी थी, उसे सीबीआई के बाद गहलोत सरकार ने भी सही ठहराया है। एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के आदेश में इसका उल्लेख है। सीढ़ी में आईना रखकर ऊपर छिपे आनंद पाल की गतिविधियां देखने के बाद उस पर गोली चलाने का उल्लेख इस आदेश में है, जबकि कांग्रेस नेता विपक्ष में रहते पुलिस की इस थ्योरी पर ही सवाल उठाते हैं। आनंद पाल एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को अवार्ड देने के गहलोत सरकार के फैसले की सियासी हलकों के ठीक उलट पुलिस में अलग चर्चा है। दारा सिंह एनकाउंटर के बाद राजस्थान के पुलिस महकमे में बने डर के माहौल को इस मामले से बदलने का काम किया है। फिलहाल इस फैसले के सियासी नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश की गुंज सियासी हलकों में लंबे समय तक सुनाई देगी। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़।